नमस्कार, मैं कोमल, स्वागत करती हूं आपका पंजाब केसरी डॉट कॉम में। जेनिफर हॉलर, ये नाम शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन इस बहादुर महिला का नाम अब इतिहास में दर्ज होने वाला है, क्योंकि ये वो महिला है जिनके ऊपर सबसे पहले कोरोना के वैक्सीन का प्रयोग किया गया। अमेरिका के सिएटल शहर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए नई वैक्सीन का परीक्षण हो रहा है। जिन लोगों पर परीक्षण होना है उनके हौसले भी बुलंद है। उनका कहना है कि लोगों की मदद के लिए उन्होंने ये रास्ता चुना है। खास बात यह है कि जहां पूरी दुनिया वर्क फ्रॉम होम को तवज्जो दे रही है, वहीं इन लोगों का कहना है कि हम अपनी जिंदगी हाथ धोकर और वर्क फ्रॉम होम की बजाय इस वायरस से लड़कर बिताना चाहते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 43 वर्षीय जेनिफर हॉलर एक टेक कंपनी में बतौर ऑपरेशन मैनेजर काम करती है। उन्होंने कहा कि हम सभी बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं, ऐसे में मेरे लिए कुछ करने का शानदार अवसर है। उन्होंने बताया कि उनकी दो बेटियां मानती हैं कि स्टडी में भाग लेना काफी कूल है। कई देशों में वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सहित दुनिया भर में संभावित कोविड-19 के टीके विकसित किए जा रहे हैं। जेनिफर हॉलर, जिनके दो बच्चे हैं, पहला इंजेक्शन उन्हें ही लगा है। वैक्सीन के परीक्षण का पहला इंजेक्शन लगवाने के बाद जेनिफर ने बेहद खुशी जताते हुए कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बॉलीवुड गीतकार मनोज मुंतीशर ने जेनिफर के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि जेनिफर हॉलर ने अपनी जान दांव पर लगाकर कोरोना वायरस की वैक्सीन अपने ऊपर टेस्ट करवाई। दोबारा कभी औरत की हिम्मत पर शक मत करना। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि वैक्सीन से कितना दर्द होता होगा। तो बता दें कि जिन तीन लोगों को इंजेक्शन दिया गया, उनका कहना है कि सामान्य फ्लू वैक्सीन जितना ही उन्हें दर्द हुआ। इनमें से कुछ लोगों को ज्यादा सख्त डोज दिया गया ताकि ये देखा जा सके कि डोज की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है। इन पर साइड इफेक्ट का असर भी देखा जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि इनकी प्रतिरोधक क्षमता कितनी है। इन वॉलंटियर्स का कहना है कि उनकी मंशा खुद को बचाने की नहीं है। इनका कहना है कि हमारी भूमिका इस मायने में छोटी है कि 18 महीने तक चलने वाली ये कोशिश कामयाब हो और पूरी दुनिया को इसका लाभ मिले। ये वॉलंटियर टेक इंडस्ट्री और स्वास्थ्य रिसर्च में काम करते हैं। इनमें दो वॉलंटियर के बच्चे हैं और सभी घर पर रहकर ही काम कर रहे हैं। अमेरिकी सरकार के एक अधिकारी के अनुसार कोरोना वायरस से बचाने के लिए बनाए गए वैक्सीन का परीक्षण सोमवार से शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि NIH इस परीक्षण के लिए धन मुहैया करा रहा है। बता दें कि महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस ने अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। वहीं 1.5 लाख से ज्यादा लोग इसमें प्रभावित है और तकरीबन 6,000 से ज्यादा लोगों की सिचुएशन क्रिटिकल है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।